और अब बात करेंगे मुंबई में, मुंबई बनाम पीओके क्यों। ये लड़ाई तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की थी, लेकिन इस लड़ाई में से सुशांत सिंह राजपूत कहीं गायब हो गए हैं। इंसाफ की बात कोई कर नहीं रहा। ये लड़ाई कुल मिलाकर सियासत के इर्द गिर्द क्यों सिमट गई, हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history, we will decide that। सुशांत के न्याय की लड़ाई क्षेत्रवाद पर आई, सुशांत की आत्मा रो रही है, सिर्फ सियासत हो रही है। जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई, और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। सुशांत के लिए फाइट, मुंबई पर कॉपीराइट। लेकिन ये महिला हाँ कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? कोई ना कोई, कोई राजनीतिक दल या कोई पावर सेंटर उसको सपोर्ट करता है मुंबई के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए तो बोल रही है। सुशांत के न्याय की लड़ाई पीओके पर क्यों आई? सुशांत के न्याय को लटकाने भटकाने का खेल। आपको बता दें कि आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई ने कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार, जी हां कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार में सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई बदल गई। कंगना रनौत लगातार, आप जानते हैं कि सुशांत सिंह मामले में वो फ्रंट फुट पर आकर बॉलीवुड की एक खास लॉबी को एक्सपोज कर रही हैं, वो भाई भतीजावाद करने वालों और साथ ही सुशांत की मौत को आत्महत्या करार देने वालों के खिलाफ लगातार बोलती आई। उनके ट्वीट्स आप लगातार देखते आए हैं, लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को कंगना का ये रुख पसंद नहीं आया, और इसीलिए जब कंगना ने ट्वीट किया कि मुंबई पीओके जैसा लग रहा है, तो शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को मुंबई नहीं आने की सलाह दे दी। और इतना ही नहीं, आपको ये बता देती हूँ, महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री, सही सुन रहे, महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं कंगना रनौत भी चुप रहने वालों में नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि वो 9 सितंबर को मुंबई लौटेंगी और जिसमें हिम्मत हो उन्हें रोक कर दिखा। मुंबई का किंग कॉन्ग, मुंबई का किंग तो पता नहीं, लेकिन बॉलीवुड की क्वीन और पूरी महाराष्ट्र सरकार के बीच रण छिड़ गया है। सुशांत को न्याय दिलाने की लड़ाई में कंगना ने मोर्चा खोला तो महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को ये अखर गया। सबसे पहले देखिए कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच कैसे जुबानी जंग छिड़ी। 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मुंबई से तकलीफ है तो ना आए। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोके। मुंबई मराठियों के बाप की है। मुंबई पीओके जैसा लग रहा है। एक बार पीओके की सैर करके आइए। मुंबई ना आने की धमकी मिली। मुंबई को बदनाम करने की साजिश है। मुंबई में लैंड करूंगी, टाइम भी बताऊंगी। अनाप शनाप बोल रही हैं। जाइए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है, आप एक बार जाकर सैर कर आइए और बाद में इस प्रकार की बात कीजिए। आपको मालूम नहीं पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की स्थिति क्या है? नहीं तो जाकर जो आपको सपोर्ट करते हैं राजनीतिक दल उनके नेताओं से जाकर आप चर्चा की। मानो इतना ही काफी नहीं था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी इस लड़ाई में कूद पड़े। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कंगना ने जबरदस्त पलटवार किया। मराठी वेशभूषा में अपनी तस्वीर के साथ कंगना ने तल्क भाषा में ट्वीट किया और कहा कि डंके की चोट पर कहती हूँ कि मैं मराठा हूँ। कंगना ने मुंबई को पीओके जैसा बताया तो बॉलीवुड के कई सितारों ने कंगना का खुलकर विरोध किया। उर्मिला मातोंडकर ने कंगना के बयान को एहसान फरामोश बता दिया। सोनू सूद ने कहा कि मुंबई वो शहर है जो तकदीरें बदलता है। रितेश देशमुख ने मुंबई हिंदुस्तान कहकर बता दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं। दिया मिर्जा ने मुंबई मेरी जान कहा और बताया कि इसी शहर ने उन्हें सब कुछ दिया है। जाहिर है बॉलीवुड मुंबई के साथ रहने के बहाने कंगना के विरोध में आकर खड़ा हो गया है, लेकिन कंगना रनौत भी चुप रहने वालों में से नहीं है।
कंगना ने एक और ट्वीट किया, लिखा, इनकी औकात नहीं है इंडस्ट्री के 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पे बनाई हो। मैंने इस्लाम डोमिनेट इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दांव पर लगाया। शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई। आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो, किया क्या है महाराष्ट्र के लिए। बीजेपी को भी महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को घेरने का मौका मिल गया। संजय राउत जी से भी हमारा कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले पर इंक्वायरी और उस इंक्वायरी से आए हुए तथ्यों को जनता के बीच में भ्रमित करने के लिए कंगना रनौत के पीछे छुपकर वार भारतीय जनता पार्टी पर करने की आवश्यकता नहीं। सुशांत को न्याय की लड़ाई कहीं पीछे छूटती दिख रही है और सियासत हावी हो रही है, लेकिन कंगना जिस तरह से अटल दिख रही है उससे महाराष्ट्र सरकार में घबराहट तो दिखाई दे ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।